कोटा में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने अपने विधानसभा क्षेत्र के कोटा दक्षिण नगर निगम में आने वाले 8 वार्डों के लिए 22 करोड़ 9 लाख 89 हजार के विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। इस दौरान वार्ड नंबर 32 में अजय आहूजा नगर स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में नवनिर्मित 2 कक्षों का लोकार्पण भी किया गया। इसके साथ ही अन्य कक्ष बनाने के लिए विधायक कोष से 15 लाख रुपए देने की घोषणा भी की है। इसके साथ ही विद्यालय को मिडिल स्कूल में क्रमोन्नत करने की घोषणा की। इस अवसर पर विद्यालय परिसर में आम का पौधा भी लगाया, तो वहीं कार्यक्रम में विद्यालय में सहयोग करने वाले दानदाताओं एवं भामाशाहों का भी सम्मान किया गया। डूंगरपुर जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र के बालाडीट गांव में बीती रात बाइक सवार 2 दोस्तों ने लूट की वारदात सामने आई है। आपको बता दें कि बाइक सवार 4 बदमाश दोनों दोस्तों से 15,000 की नकदी, 1 मोबाइल और कपड़ों से भरा बैग छीनकर फरार हो गए। पीड़ित दोनों दोस्त अहमदाबाद से डूंगरपुर आ रहे थे। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। सरमुथुरा थाना प्रभारी अनूप सिंह पदभार संभालने के बाद लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं, तो वहीं सरमुथुरा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 साथी ट्रैक्टर चोरों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 1 ट्रैक्टर और कंप्रेसर मशीन भी जब्त की गई है। आपको बता दें कि आरोपियों ने पिछले दिनों उपखंड के बरईपुरा गाँव में ट्रैक्टर और कंप्रेसर मशीन चोरी की वारदात को अंजाम दिया था, जिसके बाद पीड़ित ने थाने में शिकायत दर्ज करवाई थी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जाँच में जुटी है। विराटनगर के पावटा उपखंड के मुख्य बाजार में अज्ञात बदमाशों ने एक मोबाइल व्यापारी पर हमला कर दिया, जिसमें युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। तो वहीं इस घटना के विरोध में व्यापारियों ने मोबाइल मार्केट यूनियन के आह्वान पर बाजार बंद कर पावटा कस्बे के मुख्य अंडरपास पर बैठकर धरना प्रदर्शन किया। बाजार बंद और धरने की सूचना मिलते ही पावटा तहसीलदार प्रवीण सैनी और थानाधिकारी राजेश मीणा मौके पर पहुंचे और धरना दे रहे लोगों से समझाइश करते हुए आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। कल एक अपने दुकानदार के साथ में कुछ असामाजिक तत्वों ने आकर उनके साथ में मारपीट करी है और उनके विरुद्ध हमने प्रकरण दर्ज कर लिया है। जल्दी उनको गिरफ्तार करके जो भी विधिक सम्मत कोई कार्रवाई हो। डिग में पहाड़ी के खंडे वाला गांव में चंबल परियोजना की लापरवाही, आपको बता दें कि जनता पर अब भारी पड़ रही है। पाइपलाइन डालकर सड़क को क्षतिग्रस्त कर दिया है। पाइपलाइन डालने के बाद में जो रिपेयर कार्य होना था वो नहीं किया गया है, जिसके बाद अब खंडे वाला सरपंच ने उपखंड अधिकारी को पत्र लिखकर मामले से अवगत करवाया है। राजस्थान के दौसा जिले के लालसोट शहर में स्थित बस स्टैंड पर रविवार दोपहर 12 बजे बजरी से भरे बेकाबू डंपर ने बाइक सवार और कई चौपहिया वाहनों को जबरदस्त टक्कर मार दी। हादसे में 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, वहीं 11 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घटना के बाद गुस्साए लोगों ने डंपर को घेर लिया। लोगों ने बाजार बंद करवाकर मौके पर जाम लगा दिया और जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया। मौके पर पहुंचे तो वहीं पुलिस ने घायलों को लालसोट जिला अस्पताल में भर्ती कराया। हमारे पास यहाँ 4 लोग रेफर हो गया है। एक आया जो रेवड़मल नाम से 45 ईयर्स ओल्ड है, वो ब्रॉड डेड आया है। और एक गोलू नाम से 18 ईयर्स ओल्ड है, वो सीरियस कंडीशन में था, उसको हमने यहाँ से जयपुर रेफर किया। और 2 अजय और हाकिम, उनका यहाँ पे ट्रीटमेंट इमरजेंसी में। अभी जरा हादसा ऐसे था कि एक ट्रोला आ रहा था 200 साइड से, तो लालसोट बस स्टैंड पे बस खड़ी थी। बस पहले उसने बस के टक्कर मारी, फिर वहाँ पे और भी लोग खड़े थे, तो उनको भी कुचलता हुआ वो सीधे जा रहा था। फिर वो कैसे न कैसे रुका, बाइक आ गई उसके आगे, और उसके बाद मैं भी वहीं था। मेरे भी दुकान की बस के मारे, तो मेरे भी बस की बस। और अब आपको सीधे लिए चलते हैं आमेर में श्री जमवाई माता कथा आयोजन स्थल पर, जहाँ पर सच बेधड़क मीडिया ग्रुप के फाउंडर
एंड एडिटर इन चीफ विनायक शर्मा संबोधन दे रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं आइए आपको सुनाते हैं। आप पधारे अपने आप में, आज ये युवाओं के सीखने की बात है कि जो लोग आज भारतीय संस्कृति को चैलेंज करते हैं कि हम तो पुराने विचारों वाले लोग हैं, मैं आपको बता दूं मॉडर्न होने में और वेस्टर्न होने में बहुत बड़ा अंतर है। सबसे मॉडर्न अगर कोई दुनिया में है तो वो केवल भारतीय संस्कृति है, क्योंकि चाहे आज एस्ट्रोलॉजी का विज्ञान हो, चाहे एस्ट्रोनॉमी का विज्ञान हो, चाहे मेडिकल साइंस हो, या किसी भी प्रकार की आधुनिकता को उसे देने वाला केवल भारत है। नवरात्रा का समय चल रहा है, माताओं की सम्मान की बात की जाए तो वर्णा नाम अर्थ संगाराम रसाराम सूर्य सामती मंगला नाम से करता रो वंदे वाणी विनायक को, गणेश जी से पहले सरस्वती जी की यहाँ उपासना होती है, भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपेणो शंकर जी से पहले भवानी की उपासना होती है, सीताराम गुणग्राम राम जी से पहले भगवती सीता की उपासना होती है और कृष्ण से पहले राधा का नाम लिया जाता है। तो महिला सशक्तिकरण को भी पूरे विश्व के अंदर लागू करने वाला देश भारत था, और अगर भारत का युवा इस मार्ग पर चलेगा, मैं बहुत बहुत कोटि कोटि आपको बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ कि आज मैं न्यूज चैनल चलाता हूँ, लेकिन मैं बता दूंगा अभी ऋषिकुल ब्रह्मचारी आश्रम का पढ़ा हुआ विद्यार्थी जो आज मीडिया की लाइन के अंदर काम कर रहा है, वेद भागवत मानस से मैंने अपनी पढ़ाई की शुरुआत की थी और आप देखिए कि उसी के बल पे आज विश्व में सबसे कम उम्र के अंदर मैंने सैटेलाइट चैनल ऑन किया जिसका वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन में नाम दर्ज हुआ। अगर ये कृपा है तो अध्यात्म की है, सनातन की है, और इसी कृपा के माध्यम से अगर मेरे भारत का युवा इस अग्नि को अपने हृदय में लेकर चलेगा तो निश्चित भारत एक दिन विश्व गुरु बनेगा, क्योंकि गुरु तो केवल भारत ही है, लेकिन हमने हमारी संस्कृति को छोड़ दिया इसलिए हम औरों के पीछे चल रहे हैं। जिस दिन हमने हमारी संस्कृति को अपना लिया उस दिन हमें कोई भी पीछे नहीं कर सकता। और बहुत बहुत अभी मैंने सुना है कि यूनाइटेड ग्लोबल पीस फाउंडेशन का आपने निर्माण किया है, मेघराज जी अपने आप में बड़े भामाशाह के रूप में पूरे प्रदेश के अंदर जाना जाते हैं और शिक्षा का दान आप दे रहे हैं, तो सबसे पहले उन लोगों को कहूंगा जो शिक्षा से कहीं ना कहीं वंचित है। जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को जब विशाल योग हुआ था, अर्जुन को जब कुछ समझ में नहीं आ रहा था तो कोई टोटका काम नहीं आया था, भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें ज्ञान दिया था, स्वयं अपने मुख से शिक्षा दी थी। तो शिक्षा का यह महत्व है कि जब वैश्य है, जो वैश्य धनुर्धर अर्जुन था वो भी विषाद में पड़ गया था, लेकिन जब कृष्ण के मुख से ज्ञान मिला तो वही महाभारत के युद्ध को अक्षुणीय सेना को हराकर सत्य को वहां पर विजय दिलाई थी। तो अगर ज्ञान होगी, शिक्षा होगी, तो निश्चित कोई सी भी महाभारत हो हमेशा जीत सत्य की होगी। मैं पुनः जामवाई माता के चरणों में प्रणाम करता हूं और समय का ज्यादा नहीं लूंगा, इसीलिए मुझे यहां पर बुलाया, आप सभी का हार्दिक धन्यवाद अभिनंदन। दशरथ सिंह जी हमारे जीएम है, पूर्व में एडिशनल एसपी थे, उन हमेशा चर्चा करते रहते थे, यूट्यूब पे आपके कंटेंट दिखाते रहते थे और मैं बहुत प्रभावित हुआ, तो मैंने उन्हें कहा कि मुझे आप जरूर आप बात बताइए, मैं जरूर जाकर आऊंगा और आपके दर्शन प्राप्त करूंगा। तो ऐसे सपूतों के लिए एक बार जोरदार तालियां, धन्यवाद, नमस्कार। मीडिया का क्षेत्र तो इतना